दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जो भी आपने मोबाइल पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जितने सारे मोबाइल नंबर होता है वो खो जाता है किसी भी कारण पे। जैसे आपने मोबाइल क्या न्यू मोबाइल लिया हो, या आपने मोबाइल चोरी हो जाए, या आपने किसी भी प्रकार से जो मोबाइल पे आपने नंबर सेव करके रखते थे उसी किसी भी कारण पे आपने क्या करते वो मोबाइल चोरी हो जाए, या वो मोबाइल आप किसी को दे देते हो, या कहीं भी खो जाए, लेकिन उसका अंदर जितनी सारे मोबाइल नंबर होता है सेव हुआ नंबर होता है वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसा एक सेटिंग बताऊंगा, इस प्रकार से अगर कोई भी मोबाइल नंबर सेव करके हो गए, चाहे आपने मोबाइल मतलब खो भी जाए, या मोबाइल चोरी हो जाए, या मोबाइल किसी भी कारण पे आपके हाथ ना लगे, फिर भी उसके अंदर जितने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे एक क्लिक पे आप नया मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या नया मोबाइल पे शो कर लेगा, या हो सकता है कि आपके मोबाइल पे अगर आपने पास एक से ज़्यादा मोबाइल है, आप दोनों मोबाइल पे सेम कॉन्टैक्ट भी आप यूज़ कर पाओगे। मतलब मोबाइल चोरी हो जाए फिर भी आपके मोबाइल पे नया मोबाइल पे चाहे या किसी भी मोबाइल आप जब मर्जी किसी भी मोबाइल पे वो सारे नंबर आप मंगा सकते हो या देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, कमाल की जानकारी देने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से अगर कोई भी मोबाइल नंबर सेव करके रहोगे तो कोई भी मोबाइल नंबर डिलीट नहीं होगा या खोएंगे नहीं बिल्कुल भी। आपने पास जब मर्जी चाहे वो मोबाइल नंबर आप देख सकते हो, इन पता कर सकते हो किस प्रकार से आप सेव करोगे। देख लीजिए, सबसे पहले आपको करने का आपने मोबाइल के डायलर ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर आपने सेव करना चाहते हो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट पे आ जाना। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आप जैसे क्लिक करो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपने न्यू नंबर ऐड कर सकते हो, नहीं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देख सकते हो कहीं पर भी आपने मोबाइल के अंदर लिखा होगा कि न्यू क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट इस पक्ष से आएगा, नहीं तो आपने यहाँ पे डायल कर लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैं कोई भी डिजिट का एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं जैसे सेटिंग करूँ आप वैसा ही करना, उसके बाद आपने एक भी मोबाइल नंबर कहीं पे खोएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आपने इस प्रकार से आ जाए तो आपने कॉन्टैक्ट चूज करना। उसके बाद आपको करने का कुछ इस टाइप से पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको करने का यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम आप जो भी आप डाल दीजिए। फर्स्ट नेम मतलब कि उसका नेम, और लास्ट नेम मतलब कि उसका टाइटल जो नाम के बाद होता है, ठीक है। आप चाहो तो दे सकते हो, उसके बाद जो भी नाम वगैरह है वो आप दे दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हो नीचे, अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए दे सकते हो, नहीं तो आपको ध्यान से आप देख लेना यहाँ पे सेव टू लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप सेव टू पे यहाँ पे डिवाइस दिखा रहा है, एक गलती मत करना, डिवाइस पे रहेगा मतलब कि इस मोबाइल पे सेव होगा, लेकिन एक गलती मत करना। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ईमेल आईडी पूछा जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है, जिस कोई भी एक ईमेल आईडी चूज कर लीजिए, उसी ईमेल आईडी पे आप हमेशा सेव करते रहना, ठीक है। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वो ईमेल आ चुका है, आप देख पा रहे हो। इसी ईमेल के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे तो इस ईमेल को आपको याद करके रखना होगा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही सेव कर दोगे इस ईमेल को, आप जिस भी मोबाइल के अंदर डालोगे इस ईमेल को, ईमेल एड्रेस को जिस भी मोबाइल के अंदर मतलब ऐड करोगे, उसके बाद उसके अंदर जितनी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगा तो उसी मोबाइल पे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस ईमेल के अंदर जितनी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा, जो भी मोबाइल के अंदर इस ईमेल आईडी को ऐड करोगे, उसी मोबाइल के अंदर आपने जितनी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करके रखोगे उसी मोबाइल के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जरूर ईमेल पे मोबाइल नंबर सेव करके रखिए, उसके बाद कभी भी आपने मोबाइल नंबर सेव हुआ मोबाइल नंबर खोएंगे नहीं, और आप चुटकी में पता कर सकते हो। इस प्रकार से आप जरूर सेव करके रखिए, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से यूज़ करते हो। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।